एक दिन आरती घर का काम धाम पूरा करने के बाद उन्हीं पेड़ों के झुरमुट के नीचे बैठ गई जहां वो रोज बैठा करती थी। उसी बागों के बीच से धुएं के साथ पों पों झपक झपक की आवाज़ करते हुए शाम को एक ट्रेन गुजरती थी जिससे परदेशियों का आवागमन होता था। आरती उन्हीं रेलगाड़ी के आवाज़ों में गुम हो जाती और बरसों से बिछड़े सौहर के बारे में सोचने लगती, या फिर यूं कहें उनकी यादों में विलीन हो जाती जैसे दूध में पानी मिल जाता है। उसके पड़ोस में ऐसी कई औरतें थीं जिनके मर्द कलकत्ता गए थे। वो गए तो थे पर कभी लौटे नहीं। यही डर आरती के मन में भी बादलों की भांति घुमड़ घुमड़ कर मंडरा रहा था। आरती को लगा कि अगर उसका पति भी गया तो वह भी दूसरों की तरह लौट कर ना आएगा। आरती ने रमेश को बहुत मनाया कि तुम शहर ना जाओ, वहाँ की बंगालन बड़ी जादूगरनी और जालिम होती हैं। जो तुम उनके प्यार के झांसे में गए तो तुम मुझे भूल ही जाओगे। तो ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरी कसम खाओ कि वहाँ की औरतों से दूर रहोगे। तुम्हें पता है वहाँ की लड़कियाँ बड़ी जादूगरनी होती हैं, तुम्हें पिंजरे में कैद कर लेंगे, फिर तुम कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। रमेश ने उसकी मासूमियत भरी बातों पर बड़े तेजी से ठहाका मारकर हंसा, कहा, पागल, वह एक शहर है, जादूगरनी का अड्डा नहीं, और ये सब एक कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश इतना कहकर उसकी बातों को टाल दिया और बैग में कपड़े भरकर बस पकड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन आरती की आंखों में नमी थी, उसका कंठ रौंद गया था, रोने पर उतारू हो गई थी। अगर रमेश एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर देखता तो वह फफक कर रो पड़ती और उसकी बाहों से लिपट जाती। जब किसी औरत का शौहर शहर जाता है तो दोनों के मन से अलग अलग होते हैं। औरत सोचती है कि उसका शौहर उसे छोड़कर कभी ना जाए और हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहे, उसकी आँखों के पुतलियों में काजल बनकर हमेशा समाये रहे। और वहीं आदमी सोचता है कि शहर जाकर कुछ पैसे कमा धमा कर उसके सारे सपने साकार करे। इतने में आरती ने फिर उसका ध्यान खींचने के लिए गुलाबी और डबडबाई आँखें दिखाते हुए रमेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, शहर जाना जरूरी है क्या? आप यहाँ भी कमा खा सकते हैं जैसे टिल्लू के पापा छोटा मोटा काम धाम करके गुजर बसर करते हैं, वैसा तुम भी यहाँ कर सकते हो। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाजूबंद, हुमेल, कड़ा, मांग टीका, पायल, कुछ नहीं चाहिए। मैं सादा जीवन बिता लूँगी, पर तुम ना जाओ। रमेश ने आरती को समझाया कि वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर चला आएगा। और तुम्हारे साथ तो अम्मा और बाऊजी भी तो हैं, तुम्हें किस बात की चिंता और दिक्कत है? और हाँ, हर महीने मैं तुम्हें खत और उसके साथ मनी ऑर्डर भी कर दूंगा जिससे तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना होगी। और किसी तरह 6 महीने बिता लो, फिर आ जाऊँगा। यही याद बादल बनकर उसके आँखों से बारिश हो रही थी, उनके याद में खोई थी। अचानक फिर से एक रेलगाड़ी पों झपक झपक करते निकली। आरती दौड़कर स्टेशन तक गई पर ना तो गाड़ी रुकी और ना ही उसका बिछड़ा पिया उतरा। रमेश को गए 7 साल हो गए थे। आरती आह भरते हुए कहा, न जाने तुम कब आओगे। आरती आज भी उन्हीं बागों में बरगद के झुरमुट के नीचे बैठकर रमेश का इंतज़ार करती है। उसे यकीन है कि उसका परदेसिया एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा। 6 महीने बोलकर 6 साल हो गए। बोले थे खत लिखकर हाले दिल बयां करूंगा, पर आज तक ना तो उनका कोई खत मिला और ना ही कोई मनी ऑर्डर आया।